गोपाल फ्रॉम माय चैनल रितु व्लॉग्स और आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्वीट डिश। 2020 का ये फर्स्ट रेसिपी अपलोड है तो सोचा चलो मीठे से शुरुआत करते हैं। आप लोग में से कितने सारे लोग होंगे जिनको मीठा खाना बहुत ही पसंद आता होगा, कभी भी मन कर देता है, तो ये स्वीट आप कभी भी बना के घर पे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद आती है। तो चलिए फटाफट रेसिपी बिगिन करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं सिंपल से व्हीट फ्लावर से पुए, इसको उत्तराखंड साइड में पुए बोलते हैं, तो पकौड़ियों की जैसे होते हैं, मीठी पकौड़ी होती है। और साथ ही में हम बनाने वाले हैं पैनकेक यानी मीठे चीले। तो चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पुए बनाना। तो यहाँ पे पुए बनाने के लिए मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, शक्कर और केला। अब यहाँ पे मैंने बैटर बनाने के लिए एक बाउल ले लिया है, उसमें एक केले को मैं अच्छे से छील लूँगी, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काट लूँगी और उसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी। इससे मैं करीब 10 से 12 जितने पुए बनाऊँगी और एक पैनकेक बनाऊँगी, तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी वेरी कर सकते हैं। अब जब केले थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तब इसमें हम करीब 3 बड़ी चम्मच जितना आटा डाल देंगे, साथ ही में 2 बड़े चम्मच जितनी शक्कर। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो क्वांटिटी उसी हिसाब से वेरी भी कर सकते हैं। अब बस इसमें पानी मिला के हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। आप देखिए मैं किस तरह से इसका बैटर बना रही हूँ। तो बस हमारा बैटर अभी रेडी हो गया है। बस इसी तरह का यही कंसिस्टेंसी में आपका बैटर होना चाहिए, उससे पुए जो है वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पुए को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल ऑलरेडी गरम करने रख दिया है और ये बैटर में अभी मैं पिंच ऑफ सोडा मिला दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो सोडा स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिंच ऑफ सोडा मिलाया है जिससे वो फूलते अच्छे हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब हम चेक कर लेंगे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है क्या। जब तेल आपका एकदम अच्छे से गर्म हो जाए तब गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए और पुए आप फ्राई कर लीजिए। बस इसको हम पकौड़ियों की जैसे ही डाल देंगे ऑयल में। अब जब ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसको हल्के हाथ से आप इस तरह से अलग कर लीजिए और फिर पकौड़ियों को टर्न कर दीजिए। अब इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है, देखकर ही खाने का मन कर रहा है मेरा। आई होप आपका भी कर रहा होगा। ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, मुझे पता है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी, बिकॉज जब मैंने भी फर्स्ट टाइम खाया था तब से मुझे आज तक ये हमेशा पसंद आता है और जब भी मेरा मीठा खाने का मन करता है तो मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। तो बस हमारे ये पुए फ्राई हो गए तो अब हम पैनकेक भी बना लेते हैं। तो पैनकेक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तवे को गरम करने रख दिया है। अब तवा जब थोड़ा सा गरम हो जाए तब इसके ऊपर आप करीब 1 चम्मच जितना ऑयल डाल दीजिए और उसको फैला दीजिए और फिर उसके ऊपर बैटर को पोर कर दीजिए। तवा जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना चीला जो हमने डाला है, पैनकेक जो हमने डाला है, वो जल जाएगा। तो मीडियम हीट पर होना चाहिए
और जब जैसे हम बेसन के चिल्ले को फैलाते हैं उसी तरह से हम इस पैनकेक को भी फैला देंगे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से कितने अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम बीच में एक कट लगा देंगे और बस हमारा पैनकेक बनके रेडी हो गया है। तो हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बस हमारे पैनकेक और मालपुए जो है वो बनके तैयार हो गए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक बटन ज़रूर हिट कर देना।